ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। प्रिय आत्मन प्रिया योगशाला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे जिज्ञासुओं ने यह जानना चाहा है कि मेरी गुरु परंपरा क्या है, अर्थात मैंने किनसे क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की है। तो इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि वैसे तो क्रिया योग के प्रथम उपदेष्टा स्वयं भगवान नारायण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने इस क्रिया योग की दीक्षा सर्वप्रथम कश्यप ऋषि के पुत्र भगवान सूर्य को किया था। भगवान सूर्य ने क्रिया योग के अभ्यास से परम तेजोमय स्थिति प्राप्त की और वह सूर्य के रूप में अधिष्ठित हैं। उसके बाद यह भगवान मनु से होते हुए इक्ष्वाकु राजाओं से होते हुए यह राजर्षियों में आया, जैसा भगवान ने कहा है एवं परंपरा प्राप्त मीमन राजर्षयो विदुः। पुनः जो है काल के महत्व प्रभाव से यह विलुप्त हो गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इस क्रिया योग को उद्भाषित किया। इसका प्रथम उद्देश्य उन्होंने वो गोपिकाओं को किया और साथ में अर्जुन को किया, जो योग शास्त्र के रूप में भगवद गीता के रूप में विराजमान है। कलयुग में पुनः 19वीं शताब्दी में साक्षात भगवान नारायण के युगावतार महावतार बाबा जी ने इस क्रिया योग का उपदेश अपने शिष्य सत श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी को किया। लाहिरी महाशय जी के वैसे तो बहुत सारे शिष्य हुए, जिसमें गृहस्थ भी हुए, सन्यासी भी हुए। सन्यासी शिष्यों में स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, स्वामी केवलानंद जी महाराज, स्वामी केशवानंद जी ब्रह्मचारी इत्यादि प्रमुख हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जो कि योगी कथामृत अर्थात ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए लेखक परमहंस योगानंद जी महाराज के गुरु हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के भी कई सारे शिष्य हैं, जिनमें सर्वप्रमुख सन्यासी दो शिष्यों की चर्चा होती है और दोनों को वो अपना दाहिना और बायां हाथ बताते थे। वो बहुधा कहा करते थे कि परमहंस योगानंद मेरा दाहिना हाथ है और सत्यानंद मेरा बायां हाथ है। सत्यानंद जी परमहंस योगानंद जी के बचपन के मित्र थे। दोनों ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही एक साथ आरंभ किया। दोनों बचपन से छुप छुप करके एक साथ ध्यान किया करते थे। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से दोनों साथ साथ दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात परमहंस योगानंद जी जब अमेरिका चले गए तो उसके बाद से योगदा ब्रह्मचर्य विद्यालय अर्थात वर्तमान में जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है, उसका 1920 से 1944 तक डायरेक्टर के पद पर रहकर उसका संचालन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के उड़ीसा पुरी स्थित आश्रम करार आश्रम का भी संचालन किया। 1936 तक वो अपने गुरु के सद्य मार्गदर्शन में अपनी साधना करते रहे। 1936 में जब परम गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा तो उसके बाद से वह 1944 तक योगदा ब्रह्मचारी विद्यालय के डायरेक्टर के पद पर रहे। उसके बाद उन्होंने वह पद छोड़ दिया और उसके बाद वह भारत भ्रमण पर चले गए। भारत भ्रमण पर जाने के क्रम में वो रमन महर्षि जी के आश्रम में पहुँचे। रमन महर्षि जी उनके आध्यात्मिक तेज से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने यहाँ ही निवास करने का विचार दिया, किंतु उस समय बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। अत्यंत करुणार्द्र होकर के वो पश्चिम बंगाल के झारग्राम के छोटे से कस्बे में सेवायतन सत्संग मिशन की स्थापना की और लंबे समय तक उस आश्रम में रह करके उन्होंने छात्रावास की स्थापना की और विद्यालय का संचालन किया और आध्यात्मिक पुस्तकों का भी लेखन किया। अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी
ने जो भगवत गीता का भाष्य अधूरा छोड़ रखा था उसको पूर्ण किया तथा अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों की न केवल रचना की बल्कि स्वयं प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करके उसका प्रकाशन भी किया। आज भी सेवायतन सत्संग मिशन में बीएड कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज है, छोटा सा डाकघर है। इस प्रकार वह केवल कुटिया में रहने वाले एक साधक नहीं थे बल्कि अत्यंत उन्नत कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी थे। आज भी आश्रम में 4x4 का छोटा सा ध्यान कक्ष है जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 6 फीट होगी। वह उस कमरे में एकांत में जा करके जब ध्यान करते तो बहुधा वह अपने आसन को छोड़ करके उठ जाया करते थे। वे एक समाधिवान पुरुष थे। आज भी जो बुजुर्ग लोग उस समय जो बच्चे थे उनको इस अवस्था में देखा हुआ है, वो उनकी चर्चा करते हैं। उनके ही डायरेक्ट डिसाइपल श्रीमद स्वामी बिरजानंद गिरी जी महाराज जो अभी वर्तमान में सेवायतन सत्संग मिशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैंने प्रथम क्रिया की दीक्षा प्राप्त की। तदंतर उच्च क्रिया की दीक्षा मैंने लाहिरी बाबा के स्वयं की वंश परंपरा में प्राप्त किया। लाहिरी बाबा के पुत्र तिमकौड़ी लाहिरी और उनके पुत्र सत्यचरण लाहिरी जो कि लाहिरी बाबा के ही अंशावतार माने जाते हैं, एक अत्यंत उन्नत योगी, उनके डायरेक्ट डिसाइपल सतश्री श्याम बिहारी जी महाराज से मैंने उच्च क्रिया दीक्षा प्राप्त की है। उनके ही संचालन में मैं क्रिया का अभ्यास करता हूँ और उनके ही आदेशानुसार मैं क्रिया दीक्षा का संचालन भी करता हूँ। इस प्रकार मैं लाहिरी बाबा के वंश परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में जिस प्रकार क्रियायोग के नाम पे व्यवसाय चल रहा है, क्रियायोग के नाम पे जिस प्रकार कोई भी सांस की क्रिया दी जाती है, नए नए स्वयंभू गुरु प्रकट हो रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि सीधे में महावतार बाबा से दीक्षित हूँ, कोई कह रहे हैं हम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी से दीक्षा प्राप्त की है। ऐसे में यह मेरा परम सौभाग्य है और श्रीमन नारायण की अतिशय कृपा है और गुरुओं का प्रताप है चरणों का कि मुझे इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी ऑथेंटिक क्रिया योग अर्थात प्रमाणिक क्रिया योग को जानने और उसको अपने जीवन में अभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि जितने भी सत्यान्वेषी हैं, वर्तमान में जिस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जा रही है, लोगों में लोभ घृणा वैमनस्य अशांति चारों तरफ छाई हुई है, भौतिकता का बोलबाला है, ऐसे में जिनके अंदर भी थोड़े से भी अंश में यदि आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ है तो वह प्रामाणिक क्रियायोग की दीक्षा लेकर अपने जीवन को सुख समृद्धि व समुन्नत करें तथा इस दुख रूपी संसार से त्राण पाने का मार्ग प्रशस्त करें। इसी सदिच्छा के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन। ओम तत्सत।